फ्रेंड्स, मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे आप अपनी लॉगिन विंडो साउंड को, जो डिफ़ॉल्ट विंडो साउंड होती है, उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी कि स्टार्टअप साउंड को कैसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें बहुत ही एक छोटे से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, स्टार्टअप साउंड चेंजर, जिसका मैं लिंक आपको नीचे प्रोवाइड कर दूँगा। आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसे केवल विंडो 7 पर ही रन करें, किसी और विंडो पर इसे ट्राई ना करें, वरना आपका सिस्टम डैमेज हो सकता है। चलिए इसकी स्टार्टिंग करते हैं। ये ओपन हो चुका है। दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा मेरे जो सिस्टम पे डिफ़ॉल्ट साउंड है वो कैसी है, जो मैंने चेंज कर रखी है। देखिए, ये यहाँ पर सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो चुका है, स्टार्टअप साउंड चेंजर। यहाँ से प्ले हो जाएगा, जो हमारा करंट साउंड होगा वो यहाँ से प्ले हो जाएगा। ये यहाँ से हमारा मनपसंद हम अपने ट्यून यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं वापस डिफ़ॉल्ट साउंड को। ये प्ले करते हैं, तो जब ये साउंड प्ले होगा तब आप इस सॉफ्टवेयर को कहीं भी टच नहीं कर सकते, वरना ये नॉट रिस्पॉन्डिंग या एग्जिट भी हो सकता है। देखिए, आपने देखा कैसे हम अपना साउंड रिप्लेस पहले से किया हुआ था, और ऐसे ही हम अपना कोई भी साउंड रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए, रिप्लेस करने के लिए हम इस टैब में क्लिक करेंगे और आपको इसके लिए एक वेव फॉर्मेट वाली फाइल की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपका जो भी फाइल आप सेलेक्ट करेंगे वो वेव फॉर्मेट में ही होनी चाहिए, इसके अलावा कोई और फॉर्मेट ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, और उसका साइज़ बहुत ही लो होना चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए हमें वेव फॉर्मेट हमें कैसे मिलेगा, तो देखते हैं कि हमें फॉर्मेट कैसे मिलेगा। हम इसके थोड़ी देर के लिए पॉज कर देते हैं। इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं दोस्तों, जैसे फॉर्मेट फैक्ट्री मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें बिल्कुल फ्री है। जैसे एनी वीडियो कन्वर्टर भी है, अलोक वीडियो कन्वर्टर भी, आप उन्हें भी यूज कर सकते हैं वेव फॉर्मेट वाली फाइल को अचीव करने के लिए। देखिए, हम इसमें जाएंगे, हमें वीडियो वाले सेक्शन में नहीं जाना, ऑडियो वाले सेक्शन में जाना है, और यहाँ से वेव फॉर्मेट के लिए इसे क्लिक करना है, और यहाँ से एड वीडियो, एड फाइल, जो भी आपकी लोकेशन में, जिस भी लोकेशन में आपकी, जो भी ट्यूनिंग आपकी, आप जो भी साउंड आप प्ले करना चाहते हैं उसे आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। देखिए, मैं इस तरह से करता हूँ, और आपका जो साउंड है वो बहुत ही कम टाइम का होना चाहिए, उसकी लेंथ बहुत कम होनी चाहिए, और उसका साइज़ भी 1 या 1.5 MB या इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना सिस्टम पर लोड करेगा। चलिए, हम इस गाने को करके देखते हैं कैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल वेव फॉर्मेट में कैसे आएंगे। तो इसको ओपन कर लेते हैं और ओके कर देंगे और स्टार्ट कर देंगे। ज़्यादा समय ये नहीं लेगा, देखते हैं। देखिए, ये मैसेज अपीयर हो गया नीचे। आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे वीडियो चेंज करने हैं 3GP में या HD में या लो रिजोल्यूशन में, वो भी आप कर सकते हैं। तो आउटपुट फोल्डर पर जाकर हम अपनी फाइल देखेंगे। हमने ये फाइल चेंज किया था वेव फॉर्मेट में। देखिए, हम इसका प्रॉपर्टीज में जाकर देख लेते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं ये WAV, ये वेव फॉर्मेट में फाइल चेंज हो चुकी है, और इसका साइज इसको हमें रीनेम करना पड़ेगा। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हमें रीनेम करना पड़ेगा। तो रीनेम कर लेते हैं, DEFAULT डिफॉल्ट नेम से। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे हमारा काम नहीं बनेगा। दे रही है डिफॉल्ट, ये डिफ़ॉल्ट नाम से हमारे पास फाइल आ गई है। हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और जो हमारा स्टार्टअप साउंड प्लेयर का जो फोल्डर था वहीं पर इसे जाकर पेस्ट कर देंगे। दोस्तों, ऑलरेडी मैंने एक दो यहाँ पेस्ट कर रखे हैं इसी नाम के, जो मैंने रिप्लेस किए हुए थे, इसलिए मैं इसको पेस्ट नहीं कर रहा, आप कर लीजिएगा। और आपको इसके बाद आपको यहाँ से अपना ये सॉफ्टवेयर ओपन करना है, उसके बाद रिप्लेस करके आपको वहीं मिल जाएगा। आप इसको वहीं से चूज़ कर सकते हैं, या जिस भी लोकेशन पे आपने कॉपी किया है वहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं।
दोस्तों बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है और बहुत ही आसान सा प्रोसेस है, और आपको ध्यान रखना है, आपको इसे विंडोज 7 पे ही रन करना है, किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन नहीं करना, वरना आपका सिस्टम डैमेज हो सकता है। तो दोस्तों हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे हमारा काम हुआ या नहीं। दोस्तों हम अपना विंडो ओपन कर रहे हैं, देखते हैं हमारा काम हुआ या नहीं, इसके लिए हम चेक करेंगे। अभी विंडो स्टार्ट हो रहा है, हमने रिस्टार्ट किया है। दोस्तों इसके लिए आपको पासवर्ड भी यूज करना ज़रूरी है, आप पासवर्ड ज़रूर यूज कर लीजिएगा। देखिए हमारा साउंड प्ले हो रहा है, ये पासवर्ड के लिए मांग दे रहा है, तो पासवर्ड आप देते हैं। हमने सक्सेसफुली अपना लॉगिन साउंड चेंज कर लिया है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे कि कैसे हम लॉगिन जो वॉलपेपर होता है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, जो हमारा विंडोज लॉगिन होता है तो हम कैसे उसे चेंज कर सकते हैं हम देखेंगे। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।